आईएएस की पत्नी का कत्ल, 50 लाख की ज्वेलरी की लूट, क्या सुलझ गई गुत्थी या और ज्यादा उलझी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। आजकल कोई भरोसे के लायक नहीं है, ऐसा कई बार आपने सुना होगा, लेकिन यूपी के लखनऊ की एक वारदात इस लाइन को सच करती है। जहां कुछ दिन पहले रिटायर्ड आईएएस अफसर की पत्नी के घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, और इस हत्याकांड में अब ऐसा खुलासा हुआ है कि पुलिस के भी कान खड़े हो गए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में हुई रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र दुबे की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी अखिलेश और रवि यादव सगे भाई हैं, और जबकि एक अन्य आरोपी रंजीत इनका साथी है। तीनों ने एक साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आखिर कौन थे ये कातिल, क्यों ली इन्होंने देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी की जान, क्या ये दुश्मनी का नतीजा था या कोई पारिवारिक रंजिश या फिर लूटपाट। तफ्तीश हुई तो सारी सच्चाई खुलती चली गई। एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसे सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा है। बता दें कि शनिवार की सुबह करीब 7 बजे देवेंद्र दुबे अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने निकले थे। करीब 10 बजे देवेंद्र दुबे गोल्फ खेलकर वापस लौटे, लेकिन घर पहुंचते ही उन्होंने एक झटका महसूस किया। उन्हें पहला झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि घर का मेन दरवाजा खुला हुआ है। आमतौर पर उनकी पत्नी मोहिनी दुबे हमेशा घर का दरवाजा अंदर से बंद रखती थी, लेकिन उलझन में पड़े दुबे जैसे ही अंदर गए, घर का मंजर देख उनकी हालत खराब हो गई। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और अंदर किचन के पास उनकी बीवी मोहिनी की लाश पड़ी हुई थी। कातिलों ने उनको उन्हीं के दुपट्टे से फंदा लगाकर मार डाला था। घर का सामान बिखरा हुआ था तो ये शक हो रहा था कि इस कत्ल के पीछे लूटपाट की वजह हो सकती है। मोहिनी उनकी दूसरी बीवी थी। पहली बीवी की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि पहली से उन्हें दो बेटे हैं जो अलग रहते हैं। देवेंद्र दुबे ने पुलिस को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने अलग रहने वाले अपने दोनों बेटों और दूसरे नाते रिश्तेदारों को भी फोन किया। इस वारदात के बाद बताया आनन फानन में लखनऊ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी पुलिस को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा कि लुटेरों ने घर में रखे कीमती चीजों को लूटा और इसके लिए ज्वेलरी बॉक्स से लेकर लॉकर तक सब कुछ तोड़ डाला, लेकिन मोहिनी दुबे के शरीर पर मौजूद करीब 2 लाख रुपए के सोने के गहनों को छुआ तक नहीं। जबकि आमतौर पर लुटेरे ऐसी किसी भी वारदात में ज्यादा से ज्यादा माल बटोरने की कोशिश करते हैं। हालांकि जिस तरह से घर का दरवाजा खुला था और वहां की फोर्ड एंट्री के सबूत नहीं मिले थे, यानी घर में दाखिल होने में लुटेरों को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, उसे देखकर लगता था कि शायद कातिल दुबे परिवार का ही कोई करीबी हो सकता है, क्योंकि लुटेरे के घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर अपने साथ उड़ाकर ले गए थे। तो अंदर का तो कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ ही नहीं लगा, लेकिन बाहर लगे कैमरे की फुटेज से तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। एक गौर करने वाली बात यह थी कि मकान के अंदर लगे कैमरे का डीवीआर उनके मास्टर बेडरूम में नहीं बल्कि एक दूसरे के कमरे में लगा हुआ था। इसके बावजूद उस डीवीआर को ढूंढकर उसे ले जाना भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कत्ल में परिवार के किसी करीबी का हाथ हो सकता है। बाहर के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि लुटेरे सुबह ठीक 7:13 पर घर के अंदर घुसे थे। 7:46 में घर से निकल गए। छानबीन के दौरान पता चला कि रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र दुबे तकरीबन रोज ही सुबह 7 बजे गोल्फ खेलने के लिए घर से निकल जाते हैं और 9:30 बजे तक वापस लौट जाते हैं। इसके बाद दूध वाला सलमान आता है जो दूध देकर चला जाता है। वारदात के रोज भी दूध वाला आया और दूध देकर 7:10 तक वहां से चला गया। रोज 8 बजे उनकी एक मेड घर में काम करने आती थी, लेकिन इत्तेफाक से 25 मई को उसने छुट्टी ले रखी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी 7:15 से लेकर 7:45 के टाइम फ्रेम के दौरान कातिलों ने घर पर धावा बोला, मोहिनी की जान ली, लूटपाट की और फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने गौर किया तो मोहिनी के शरीर को कातिलों ने पानी से पोंछ दिया था ताकि उनके फिंगरप्रिंट रिकवर ना हो सके। कातिलों ने पकड़े जाने से बचने के लिए ना सिर्फ घर में घुसते हुए हेलमेट लगा रखा था,
बल्कि वारदात के वक्त किसी मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन जिस नीले रंग की स्कूटी पर सवार होकर दो कातिल इस वारदात को अंजाम देने पहुंचे, वो एक बड़ा सुराग साबित हुई, बड़ा सबूत साबित हुई। नीले रंग की इस स्कूटी में नंबर प्लेट तो था लेकिन नंबर नहीं था। अब पुलिस ने इस स्कूटी को ट्रैक करना शुरू कर दिया। शहर में लगे कम से कम 350 350 सीसीटीवी कैमरों के सहारे स्कूटी का पीछा करते रहे। पुलिस ने गौर किया कि लुटेरों ने पुलिस को धोखा देने के लिए बीच रास्ते में ही कपड़े बदले, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने गौर किया वारदात को अंजाम देने वाले कातिल कैंट के नील मथा एरिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इस मामले में पुलिस को घर के करीबियों पर ही शक था, तो पुलिस ने घर में काम करने वाले दो ड्राइवरों रवि और अखिलेश पर ही शक करना शुरू किया। जहां रवि रिटायर आईएएस देवेंद्र दुबे को अपने साथ गोल्फ कोर्स लेकर गया था, लेकिन दूसरा ड्राइवर अखिलेश मौके पर नहीं था। ऐसे में पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। पता चला कि अखिलेश उसी नील मथा एरिया की तरफ रहता था जिधर इस वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल नीले रंग की स्कूटी से गए थे। ऐसे में अखिलेश पर पुलिस का शक गहरा गया। आखिरकार जब रवि और अखिलेश से पूछताछ शुरू की तो सच्चाई सामने आ गई। इस वारदात को लूटपाट के इरादे से रवि और अखिलेश ने अपने तीसरे साथी रंजीत के साथ मिलकर अंजाम दिया था। वो अखिलेश जो 13 सालों से दुबे परिवार के पास काम करता रहा था, उसने इस कत्ल को अंजाम देने के बाद फिर से बेगुनाह बनने का नाटक करते हुए मौकाए वारदात यानी देवेंद्र दुबे के घर पहुंचा और खुद अपने हाथों से मोहिनी की लाश उठाई। वारदात वाले रोज अखिलेश सुबह अपने साथी रंजीत को लेकर दुबे के घर पहुंचा था और दोनों ने मिलकर पहले मोहिनी की गला घोटकर हत्या कर दी और फिर करीब 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। लेकिन जिस तरह से कातिलों ने सुबह का खाली समय चुना, जिस तरह से DVR उठाकर ले गए, जिस तरह से लूटपाट के बाद वो नीलमथा की तरफ भागे, जिस तरह से उन्हें घर में आसानी से एंट्री मिली और जिस तरह से उन्होंने दूसरे सबूत मिटाने की कोशिश की, उन बातों ने शक करीबी कातिलों यानी दोनों ड्राइवर के ऊपर गहरा दिया। आखिरकार पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद जहां तीनों कातिलों को पकड़ लिया है, वहीं उनके पास से नीले रंग के बैग में लूटे गए 50 लाख के जेवर भी बरामद किए गए। JTCP क्राइम आकाश कुलहरी ने बताया कि आरोपी अखिलेश की निशानदेही पर कुकरेली नाले के पास से झाड़ियों में रखे बैग को निकाला गया। अखिलेश ने बताया कि इसमें DVR और कैश है। जब पुलिस वालों ने चैन खोलकर DVR देखने के लिए बोला तो अखिलेश ने बैग चैन खोला और अचानक अवैध तमंचा निकालकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में अखिलेश के पैर में गोली लगी। इस फायरिंग में गाजीपुर थाने का एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया। हेड कांस्टेबल और आरोपी अखिलेश को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की जिसमें अखिलेश को भी चोट आई है और उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फॉरेंसिक टीम द्वारा बैग का निरीक्षण किया गया है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हत्या पैसा और गहने की लूट के लिए की गई थी। हालांकि ये तो पुलिस की थ्योरी है जो अभी तक की जांच और कार्रवाई में पता चली है। क्या इस हत्याकांड के पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता है? ऐसे भी सवाल कई सारे उठ रहे हैं और इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि देवेंद्र दुबे के घर संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। कुछ दिनों पहले ही देवेंद्र ने अपना गोमती नगर स्थित घर बेचा था जिसके लिए उन्हें 90 लाख रुपए मिले थे। वो सारे पैसे पत्नी मोहिनी दुबे के पास थे। इन्हीं पैसों को लेकर बच्चों के साथ विवाद चल रहा था। पुलिस पैसों के विवाद वाले एंगल पर भी जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि 14 साल से एक ही घर में ड्राइवरी कर रहे अखिलेश और रवि किसी के बहकावे में तो नहीं आए हैं और इसी पर जांच चल रही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।